अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? होप सो आर फाइन। दिस इज शिखामिश। तो कैसे है? सब ठीक है। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, अपने कॉन्टेक्स्ट एपीआई को बिल्ड करने जा रहे हैं। मतलब कॉन्टेक्स्ट एपीआई नहीं, कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ करने जा रहे हैं। तो हम इसके लिए कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे, स्टेट्स बनाएंगे। तो चलते हैं अपने वीजुअल स्टूडियो कोड की तरफ और देखते हैं कि हम कैसे वर्क करेंगे। ओके गाइस, तो सबसे पहले बगैर टाइम वेस्ट किए क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट का SRC में एक फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, तो उस फोल्डर का होगा नाम, मैं कॉन्टेक्स्ट रख देता हूँ। कॉन्टेक्स्ट का एक फोल्डर का नेम हो गया और इस फोल्डर के अंदर भी मैं एक और फोल्डर बनाऊंगा, क्योंकि हमारे पास दो चीज़ें, एक नोट्स है और एक ऑथेंटिकेशन है। तो मैं एक नोट्स का बनाऊंगा कॉन्टेक्स्ट और एक आउट का बनाऊंगा। तो अभी हम नोट्स के ऊपर है तो नोट्स का बना लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जाने के बाद मैं एक फाइल यहाँ पर बनाना चाह रहा हूँ। फाइल यहाँ पर मैं कौन सी बनाऊंगा, मैं यहाँ पर फाइल बनाने लगा हूँ नोट कॉन्टेक्स्ट के नेम से। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा स्पीड के लिए माजरत, द रीज़न बिहाइंड दैट, क्योंकि अभी जो आगे आने लगा है वो थोड़ा सा शेडअप को डिफिकल्ट लगे, तो हम वहाँ पे अपना टाइम यूज़ करेंगे। ओके गाइस, ओके, तो यहाँ पे नोट कॉन्टेक्स्ट आ गया। तो यहाँ पे नोट कॉन्टेक्स्ट आने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब एक चीज़ याद रखना, हमेशा के लिए एक बॉयलर प्लेट रेडी करवाना चाह रहा हूँ। नोट कॉन्टेक्स्ट तो बहुत ईजी होता है, इसके बाद जो हम स्टेट बनाएंगे वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। लेकिन आपको मैं पहले एक चीज़ बता दूँ, आप सबसे पहले यहाँ पर पता क्या करें, अब यहाँ पे ये करें इम्पोर्ट करें। किसको इम्पोर्ट करना है, हमने इम्पोर्ट करके हमने करना है किसको, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को, क्रिएट और यहाँ पे आ गया हमारे पास ये, और ये इम्पोर्ट होगा। ठीक है, ये हमेशा हमने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे इम्पोर्ट करवा देना, क्योंकि हम ये कॉन्टेक्स्ट बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। ओके, वेरी गुड, यहाँ तक आपका हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट यहीं से करवा देते हैं। तो नेक्स्ट आप ये करेंगे, एक हमारा फोल्डर किस नेम का, नोट कॉन्टेक्स्ट, तो मैं सेम वही वेरिएबल का नाम रख लूँगा, क्योंकि जब भी हमें कहीं यूज़ करना पड़ेगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, नोट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पर हम एक फंक्शन को रन कर देंगे, वो फंक्शन क्या होगा भाई, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ये लो। बस इतनी सी कहानी थी। एंड पे आके हम हमेशा क्या करते हैं, हर फाइल में एक्सपोर्ट कर देते हैं। किसको एक्सपोर्ट करेंगे, जल्दी से कमेंट यहाँ पे किसको करेंगे, जल्दी से बताओ, सोचो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, किसको करेंगे। अबे भाई, नोट कॉन्टेक्स्ट को करेंगे और किसको करेंगे। तो अभी तो कह रहा हूँ कि मैं, हम भी का जब भी यूज़ करना होगा कॉन्टेक्स्ट को, तो क्या लिखेंगे, नोट कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, तो वो एक्सपोर्ट होगा। ये इतनी सी कहानी थी जस्ट, और हमारा कॉन्टेक्स्ट रेडी होगा, कितना ईजी है। कभी भी अगर हम ऑथेंटिकेशन का कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे तो और कॉन्टेक्स्ट लिख देंगे। अभी नोट्स का बनाया था, नोट कॉन्टेक्स्ट लिख दिया। लॉगिन का बनाएंगे, लॉगिन कॉन्टेक्स्ट लिख देंगे। जो हमारा कलर का बनाएंगे, कलर कॉन्टेक्स्ट लिख देंगे। हाँ, ये चीज़ सेम होगी सॉ इस नेम के, बस ये जो दो नेम है ये चेंज होंगे। वेरी गुड यार, इतना सा काम था जस्ट। आगे क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर मैं एक और फोल्डर बनाने जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या फोल्डर बनाऊँगा, यहाँ पर जस्ट वेट अ मोमेंट, ये ठीक है, ये इसमें और मैं क्रिएट कॉन्टेक्स्ट नोट्स, वेरी गुड। तो इसमें अभी एक और न्यू फाइल हम बनाने जा रहे हैं, फोल्डर मैंने पहले बोल दिया था, न्यू फाइल बनाने जा रहे हैं। उस फाइल का नाम क्या होगा, उस फाइल का नाम मैं देना जा रहा हूँ नोट स्टेट, दे देते हैं। ठीक है, तो नोट स्टेट डॉट जे एस, तो नोट स्टेट कर देता हूँ मैं यहाँ पे जे एस, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट को स्टेट ही यूज़ करेगी ना। तो मैं यहाँ पे आ गया नोट स्टेट डॉट जे एस में। अब इसमें जल्दी से हम क्या करेंगे, जल्दी से हमें यहाँ पे इम्पोर्ट करवा लेंगे। किसको इम्पोर्ट करवाएंगे, कॉन्टेक्स्ट को, कॉन्टेक्स्ट को हमने यूज़ करना है ना। तो किस नाम से हमने सेव किया था, नोट कॉन्टेक्स्ट के नेम से। तो मैं आया कॉन्टेक्स्ट और ये यहाँ पे इंपोर्ट हो गया बाय डिफॉल्ट, वेरी गुड। हम क्या कर रहे हैं कि इसको कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे इंपोर्ट करवा रहे हैं। अच्छा, बाय द वे मैं एक और काम बताऊँगा, थोड़ी देर बाद बताऊँगा, अभी नहीं बता रहा। ये हो गया, पहले मैं जल्दी से आपके सामने एक बॉयलर प्लेट रेडी कर दूँ। और हम यहाँ पर क्या करवा देते हैं, पहले इसी को एक्सपोर्ट करवा देते हैं, और एक्सपोर्ट से भी पहले हम एक फंक्शन बना लेते हैं। उस फंक्शन का नाम मैं क्या देता हूँ, नोट स्टेट नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया कॉन्स्ट, मैंने किया नोट, और यहाँ पे आ गया स्टेट, और कॉन्स्ट स्टेट करने के बाद इसे एक हम एरो फंक्शन लेके चलेंगे। आपको याद होगा हम जब भी कोई स्टेट के अंदर करते हैं तो एरो फंक्शन से करते हैं। ओके, ये हमारा एक ये हो गया। अब हम एक्सपोर्ट किसको करेंगे, इसकी तरह कॉन्टेक्स्ट की तरह किसको एक्सपोर्ट करेंगे, सिंपल, किसको एक्सपोर्ट कर देंगे भाई, अपने नोट स्टेट को। एक्सपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट करने के बाद डिफॉल्ट में आ गया, और डिफॉल्ट करने के बाद हमने किसको कर दिया, नोट स्टेट को। वेरी गुड, डरना नहीं है, टेंशन लेनी जब भी लेनी, बड़ी गाड़ी लेनी, बिल्कुल मैं हूँ ना, टेंशन लेनी। ओके गाइस, यहाँ तक हमारा काम खत्म हो गया। अब देखो, अब मैंने आपको कहा था मैं एक बात बताऊँगा थोड़ी देर तक, वो बात ये है, मेरी बात सुनो। मैं चाहता तो इस फाइल को इस फाइल में स्टेट में भी डायरेक्टली कर सकता हूँ, मुझे ये दो फाइल्स नाम बनाने पड़ती, मैं एक ही फाइल में सब कुछ कर देता। पहले तो बात ये कि मैं रायता नहीं खिलाना चाहता, मैं ऑर्गेनाइज वे से करना चाहता हूँ। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इससे मुझे एक फ़ायदा मिलेगा। पहला फ़ायदा तो मुझे ये मिलेगा रायता, दूसरा फ़ायदा इससे मुझे ये मिलेगा, मैं यहाँ से किसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, किसको यूज़ कर रहा हूँ, स्टेट को। यहाँ से मैं किसको यूज़ करूँगा, कॉन्टेक्स्ट को। मुझे इस फाइल में दोनों को करना पड़ना था। ठीक है, तो इस वजह से मैंने लहदा फाइल्स करके एक से कॉन्टेक्स्ट का फायदा ले लिया, एक से स्टेट का फायदा ले लूँगा। जब मुझे कॉन्टेक्स्ट की जरूरत पड़ेगी कॉन्टेक्स्ट को बुला लिया करूँगा, जब मुझे स्टेट की जरूरत पड़ेगी तब मैं स्टेट को बुला लूँगा। तो ये मुझे फायदा मिल रहा है यहाँ पे। आप लोग भी ये करना, वेरी गुड। वरना एक फाइल में चाहो तो जस्ट इसको यहाँ से इतना कॉपी करो और कंट्रोल एक्स करके कंट्रोल वी कर दो, तो यहाँ से कर लो। इन फ्यूचर अगर यूज़ पड़ी तो हम करेंगे भी इस तरह, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको हर भी आना चाहिए। वेरी गुड,
तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, एक बॉयलर प्लेट ऑलमोस्ट आपके सामने रेडी हो गई है। हाँ, इस बॉयलर प्लेट के अंदर मैं एक और एडिशनल करना चाहूँगा कि अगर कभी भी आपने करना रिटर्न करवाएंगे, हम हमेशा रिटर्न भी करवाएंगे, किसको करवाएंगे, अब हम रिटर्न करवाएंगे यहाँ पे स्टेट का नेम क्या, हमारे स्टेट का नेम क्या, नॉर्थ स्टेट। नॉर्थ स्टेट में यहाँ पे लिख के डॉट करके प्रोवाइडर, जस्ट वेट अ मोमेंट, प्रोवाइडर का पी कैपिटल लिखूंगा मैं यहाँ पे प्रोवाइडर, और ये हो गया यहाँ पे, एंड ये कर दिया क्लॉज। ये बॉयलर प्लेट आपके सामने रेडी होगी। अब आप टेंशन नहीं लेना कि ये मैंने क्या कर दिया इसके अंदर, जस्ट मैं ऐसा करूँगा कि अब हम करेंगे कोडिंग। ये हमारे सामने एक हमने काम रेडी हो चुका है जो कि काम था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक स्टेट बना लेते हैं जिसकी मैं वैल्यू आपको बाय यूजिंग प्रॉप्स कर सकता हूँ। आखिर कॉन्टेक्स्ट हम बना क्यों रहे हैं, आपको ये तो पता लग गया ना कॉन्टेक्स्ट हम क्यों बना रहे हैं। मल्टीपल कंपोनेंट्स होंगे, जिस कंपोनेंट में जो कॉन्टेक्स्ट चाहिए होगा हम उसके प्रॉप्स को वहीं पर बुला लिया करेंगे बाय उस मेथड को यूज़ करते हुए, कई कंपोनेंट से दूसरे में जाए, तीसरे में जाए, चौथे में जाए, पाँचवें जाए, छः में जाए, एट दी एंड जाके सेवन्थ कंपोनेंट में आए। इस तरीके को छोड़ के हम क्या तरीका अपना रहे हैं, हम कह रहे हैं कि डायरेक्टली डायरेक्ट रब्ता डायरेक्टली बिल्कुल डायरेक्टली हो जाए। तो डायरेक्टली के लिए हम क्या कर रहे जा रहे हैं, एक स्टेट बनाते हैं। यहाँ पे मैं कुछ प्रॉप्स लाता हूँ, ठीक है, फिर आपको सही समझ आएगी, क्योंकि आप लोगों को मैंने नोट किया कि आपको प्रॉप्स बहुत अच्छी तरह समझ आ रहे हैं। प्रॉप्स के लिए हम क्या करेंगे, अब उसके लिए भी, अब उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे ऐसा करते हैं एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। उस फंक्शन के अंदर प्रॉप्स पास करवा देते हैं, यानी फंक्शन ही एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो प्रॉप्स क्या होंगे, एक मिसाल है ये इतना तो अब आपको सबको समझ आ जाना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं वैल्यू दे देता हूँ, एक नेम दे देता हूँ, नेम को मैं इक्वल टू रख लेता हूँ सॉरी कॉलन, और यहाँ पर मैं नेम को इक्वल टू रख लेता हूँ आमिश, ठीक है। और सेकंड मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे अपनी एज दे देता हूँ। तो एज तो भाई मेरी कम है, मुझे पता है आप लोग हंस हो गए, आप लोग ये देखो, तो मेरी एज है यहाँ पे 20, वेरी गुड। तो ये मैंने काम यहाँ पे कर दिया, इसको भी मैं बाय डबल कोटेशन में ही पास करूँगा, ओके वेरी गुड। तो ये काम हमारा यहाँ पे डन होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस प्रोवाइडर के अंदर क्या करेंगे, वैल्यू कर देंगे ये, ठीक है, वैल्यू। और यहाँ पे कर देंगे क्या, नाम क्या, नाम क्या है, स्टेट। मैंने क्या नाम रखा है, स्टेट। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा स्टेट। और अच्छा, बॉयलर प्लेट मैं आपको कह रहा था कि रेडी करेंगे हम, उसके अंदर मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना भूल गया, वो क्या थी कि भूल तो नहीं गया, वो तभी हम ऐड करेंगे जब हम कोई प्रॉप्स पास करेंगे। तो प्रॉप्स के लिए अब हम क्या यूज़ करते थे, प्रॉप्स। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये पे जावास्क्रिप्ट आ जाएगा, और जावास्क्रिप्ट में क्या कर देंगे भाई, जितने भी प्रॉप्स हैं ना डॉट चिल्ड्रन, उनके जितने भी यानी चिल्ड्रन, तो वो सारे के सारे पास कर दो। यहाँ तक मुझे नहीं लगता आपको कोई इशू होना चाहिए, और ये प्रॉप्स आ गया, ये लो बस इतनी सी कहानी, और ये हमारे प्रॉप्स यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, ठीक है। प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन हो चुका है, यहाँ पे स्टेट कर चुका हूँ मैं, सब कुछ कर चुका हूँ। हाँ, अब हम एक नया काम करेंगे। कंट्रोल एस कर दिया यहाँ पे, कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक नया काम क्या करने जा रहा हूँ, ऐप डॉट जे एस में जाऊँगा मैं। उसके बाद यहाँ पे हमने सब कुछ किस में रैप किया हुआ, राउटर में किया हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम एक स्टेट बना दिया, हमने क्या स्टेट बना दिया, नॉर्थ स्टेट के नाम से, ठीक है। तो जो नॉर्थ स्टेट है ना, अब उसको उसके अंदर इस सबको हम क्या कर देंगे, रैप कर देंगे। तो ये मैं आया यहाँ से कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे कर दिया कंट्रोल वी, वेरी गुड। तो ये काम तो हमने यहाँ पे कर दिया, इसको इसके अंदर रैप कर दिया सारा का सारा, यानी कि एक स्टेट है उसके अंदर ये सारा कुछ हो रहा है, ठीक है ना। तो परफेक्टली बाकी एक स्टेट है, हमारे पास एक स्टेट होती है शुरू में, ओके। अब हम नेक्स्ट काम क्या करेंगे, अब मैं ऐसे करता हूँ कि अबाउट डॉट जो जे एस है ना, इसको कर देता हूँ यहाँ पे, ये क्या कह रहा है कि भाई नॉट स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड, तो यहाँ से इसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से जल्दी से इंपोर्ट कर देता हूँ, इंपोर्ट कर दो भाई किसको, इंपोर्ट कर दो नॉर्थ स्टेट को हम कर रहे हैं, हाँ, तो नॉर्थ स्टेट को यहाँ पे इंपोर्ट कर दो। तो वेरी गुड, ये अब आ जाएगा, अब यहाँ पे इशू नहीं देगा। कंट्रोल एस करता हूँ, ये एरर दरअसल नीचे आ रहा था, तो अभी आई थिंक एरर नहीं देगा, जस्ट वेट अ मोमेंट। हम यहाँ पे करते हैं ओके, वेरी गुड। वार्निंग भी दे रहा है, वार्निंग क्या दे रहा है कि भाई नॉट कॉन्टेक्स्ट लाइन नंबर 18 में जो इज़ डिफाइंड बट नेवर यूज्ड, इधर दे रहा है नॉट कॉन्टेक्स्ट क्या कहते हैं, ओके यहाँ पे भी यूज़ नहीं हो रहा, हम करते हैं भाई थोड़ी देर में यूज़ करते हैं, टेंशन किस बात की लेता है, तो इसको तो हम देख लेंगे बाद में। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसा करते हैं अबाउट के अंदर एडिटिंग कर लेते हैं जाकर थोड़ी सी, अबाउट के अंदर हम ऐसे करते हैं इसको यूज़ करते हैं, यहाँ पे प्रॉप्स को पास करवा के देखते हैं। हमारा ये तो दोनों रेडी हो चुके हैं, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो हुई अभी मैं बता दूंगा। अब हमने इनको यूज़ भी तो करना है ना, कॉन्टेक्स्ट को कहाँ पे यूज़ करेंगे, एक मिसाल है, अब हम इसको अबाउट में यूज़ करने जा रहे हैं, कहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं, कहाँ पे, सुना नहीं, अबाउट में, वेरी गुड। कहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं, अबाउट में, अगेन कहाँ पे यूज़ करने जाए, अबाउट में, वेरी गुड। तो यहाँ पे अबाउट में जब भी हम यूज़ करने जाएंगे, तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, कॉन्स कर लेते हैं, जहाँ जो कि क्या करेगा, जो कि इस कॉन्टेक्स्ट से सारे के सारे जो भी होंगे ना
प्रॉप्स आ रहे होंगे उन्हें स्टोर करेगा। मैं उसको ए नाम देता हूँ ताकि आप बाद में ये ना कहें कि वो मुश्किल सा नाम दे दिया और वो क्या होता है कीवर्ड लगे आपको। मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट दे देता था या स्टोर कॉन्टेक्स्ट का नाम दे सकता था, तो आप लोगों ने टेंशन लेने दी थी जो मैं नहीं चाहता। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या आया, यूज़ कॉन्टेक्स्ट किया। यूज़ कॉन्टेक्स्ट क्या कर रहा है, यूज़ कॉन्टेक्स्ट को करते हुए अब किसी कॉन्टेक्स्ट को हम क्या करें, यूज़ करें, तो ये तो एक बाय डिफॉल्ट फंक्शन है। अब इसके अंदर हम क्या बताएंगे, किस कॉन्टेक्स्ट को यूज़ कर रहे हो, बताओ हमारे पास कॉन्टेक्स्ट कौन सा है, बताओ अब तक हमने कौन सा कॉन्टेक्स्ट बनाया, स्टेट वो तो स्टेट बनाई थी, कॉन्टेक्स्ट कौन सा बनाया था, नॉट कॉन्टेक्स्ट, वेरी गुड। इसी तरह की मैं आपके अंदर चाहता हूँ माइंड क्या आपका माइंड परफेक्टली वर्क करे, कॉन्टेक्स्ट किया। अब इसके अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, दिस इज अबाउट, यहाँ पे मैं क्या यूज़ करना चाह रहा हूँ, API कह दिया, यहाँ पे मैं अपना नेम लिखना चाह रहा हूँ, दिस इज़ अबाउट आमिश, परफेक्ट, ये परफेक्ट रहेगा। कंट्रोल एस करता हूँ, नोट कॉन्टेक्स्ट हमारे पास आ चुका है, इंपोर्ट हमने करवा लिया, वेरी गुड। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कोई एरर तो नहीं आ रहा, जस्ट वेट अ मोमेंट, तो होप सो यहाँ पे मुझे लग रहा कोई ना कोई इशू है, तो मैं देखता हूँ इसे, अभी देखता हूँ, अभी जस्ट एक सेकंड में पता लग जाएगा यहाँ पे। फिर इस कंसोल में जल्दी से यहाँ पे आ जाओ हमारे पास, क्योंकि हमें चाहिए एरर के, क्या एरर आया है, ओके एरर जी क्या अचानक हो गया, और क्लास फंक्शन फॉर कंपोजिट अनडिफाइंड बट गुड अनडिफाइंड यू लाइकली फॉरवर्ड, ये क्या कह रहा है, ये देखते हैं, द अबव स्टेट नॉट स्टेट कंपोनेंट इज यूज्ड एन एरर अकर्ड एन टाइप्स ऑफ, बाय द वे हम देखते हैं अपने नॉट स्टेट को कि हमने क्या मिस्टेक वहाँ पे की है, तो बाय द वे यहाँ पे मिस्टेक ही है, मुझे पता लगी, तो रीज़न ये है कि यहाँ पे हम नॉट कॉन्टेक्स्ट को करेंगे क्योंकि हम नोट कॉन्टेक्स्ट से वहाँ से ला रहे हैं, और यहाँ पे ना मैंने मिस्टेक ये कर दी कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मुझे लिखना था, तो ये मैंने कॉन्टेक्स्ट कर दिया, अब ये परफेक्टली वर्क करेगा, अब यानी यहाँ पे ये भी वार्निंग नहीं आएगी कि आप कॉन्टेक्स्ट को यूज़ नहीं कर रहे, बाय द वे परफेक्टली ये अब वर्क कर देना चाहिए। और यहाँ पे मुझे दिस इज़ होम एंड अबाउट पे क्लिक करो, दिस इज़ अबाउट आमिश, दैट इज़ द आइडिया। इसी तरह हम ये दो कॉन्टेक्स्ट बना के किसको यूज़ करें, अबाउट के अंदर करें। अब मान लो कि ये अबाउट इज़ नॉट अ फर्स्ट कंपोनेंट, ये समझ लो कोई 17 कंपोनेंट है, 18 वाला कंपोनेंट है, हम उसमें जस्ट गए एक वेरिएबल में क्या किया, यूज़ कॉन्टेक्स्ट किया और वहाँ पे प्रॉप को यूज़ कर लिया, दैट इज़ द आइडिया, ये काम था, जस्ट इतना सा काम, थोड़ा सा और आज पढ़ेंगे, टेंशन लेनी पढ़ेंगे, और मुझे पता है आपको ये समझ आ चुका होगा, अगर ना भी समझ आया तो भाई सीधी सी बात है, चुप करके आंखें बंद करके ये सिंटैक्स याद कर लो, और चुप करके ये बॉयलर प्लेट याद करो, इसे कट कर दो, ये तो मैं नेक्स्ट में वैसे भी रेस कर दूंगा, बाकी सारी चीज़ें सेम है, और ये वैल्यू भी खत्म कर देना। हाँ, वैल्यू के अंदर ये जो नाम देंगे हम कौन सा देंगे, जो हम स्टेट बनाएंगे या जो भी हम नाम देंगे। अब हम इसके अंदर क्या करने जा रहे हैं, इसके अंदर अब हम मैं आपको कुछ और सिखाने जा रहा हूँ, कुछ और क्या सिखाने जा रहा हूँ, अब मैं आपको अपडेट करना सिखाना चाह रहा हूँ। मान लो कि 18 वाले कंपोनेंट पे 21 वाले कंपोनेंट पे किसी ने कुछ चेंजिंग करना है, किसी ने कुछ चेंज करना है, तो वो चेंजिंग भी तो होनी चाहिए ना, वो चेंजिंग कैसे होगी, जल्दी से अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, माइंड पे घुमाओ कि हम वो चेंजिंग कैसे करते होते थे, याद करो वो चेंजिंग बाय यूजिंग हुक, हुक्स का यूज़ करते हुए हम चेंजिंग करते होते थे। तो अब हम ये करेंगे, तो मैं जल्दी से क्या करूँगा, हुक एक बना लूँगा, हुक को बनाने का तरीका बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, कौन से करने के बाद क्या करेंगे यूज़ स्टेट करेंगे। अच्छा बाय द वे हम हुक को डायरेक्टली भी तो बना सकते हैं, जस्ट वेट अ मोमेंट, ये आ गया, सारी स्निप्ट आ गई, मैं क्यों टाइप कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ इसको स्टेट का, वेरी गुड। तो यहाँ पे इसको स्टेट का नाम दे दिए, यहाँ पे मैं कर देता हूँ S1 कर देता हूँ कि स्टेट 1 हो गया। और सेकंड चीज़ ये हमें यहाँ पे क्या कह रही है, ये हमें ये कह रहा है कि अच्छा हाँ मैं इसके अंदर S1 को यूज़ करूँ, तो इसका नाम भी मुझे चेंज करना पड़ेगा बाय द वे, सॉरी गाइस, क्योंकि हम सेम नाम तो नहीं दे सकते ना, पहले ही एक हमने वेरिएबल बना लिया था, यहाँ पे या तो मैं इसको स्टेट वन नाम देता या इसको दे देता, बाय द वे परफेक्ट, यहाँ पे इस तरह इशू नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं एक फंक्शन बनाने जा रहा हूँ, एरो फंक्शन होगा जो कि अपडेट का मैं कर देता हूँ, वो अपडेट कैसे करेगा, वो अपडेट ये बाय यूजिंग सेट स्टेट वेरिएबल को यूज़ करता हुआ करेगा। तो मैं यहाँ पे अपडेट करने जा रहा हूँ, अपडेट को कर देते हैं एक एरो फंक्शन बना देते हैं, अपडेट इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा, फिर इज इक्वल टू ये होगा और यहाँ पे ये लगा के ये हो जाएगा, एक एरो फंक्शन बन गया। इसके अंदर मैं कैसे करता हूँ, सेट टाइम आउट लगा देता हूँ कि कुछ टाइम बाद कि हमारा अपने आप वो चेंज हो जाए, क्या चेंज हो जाए, नेम चेंज हो जाए, ठीक है, या वैल्यूज़ को मैं चेंज करवाता हूँ अपडेट। बाय द वे मैं इसकी स्निपेट को ही उठा लेता हूँ, मैं क्यों खुद से टाइप करूँ, सेट टाइम आउट पे गए, ये यहाँ से इसको उठा लिया, वेरी गुड। टाइम आउट मैं कर देता हूँ 1 सेकंड नहीं, 3 सेकंड्स कर लेते हैं, क्योंकि आपको परफेक्टली पता लग जाएगा, 3 सेकंड्स का ये हो गया। और 3 सेकंड्स के टाइम आउट के बाद हमने इसके अंदर सेट स्टेट करनी है, एक स्टेट को हमने सेट भी करना है, तो सेट स्टेट क्यों मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्योंकि वेरिएबल करना है, यहाँ पे अगर होता सेट आमिश तो सेट आमिश लिख देता, टेंशन लेनी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, सेट स्टेट, तो यहाँ पे जल्दी से आ जा भाई, सेट स्टेट आ गया। सेट स्टेट करने के बाद हमारे पास
ये एक फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर भी हम चेंजिंग्स करेंगे। क्या करेंगे, मैं कर देता हूँ नेम इज इक्वल टू हंटर कर देता हूँ, और एज इज इक्वल कर देता हूँ कि बस इनफिनिटी लिख देता हूँ, खैर जो भी है। तो क्या करते हैं, हम यहाँ पे कर देते हैं नेम इज इक्वल टू क्या क्या कर देते हैं। अच्छा, ये जो मैं आपको काम सिखा रहा हूँ ना, ये अब हम क्या करें, अब हम ये अपडेट कर रहे हैं। टेंशन मत ले लेना कि यार हो कितना लंबा, वो सॉरी हो कह दिया, वो इतना लंबा हो गया, स्ट्रेट और कॉन्टेक्स्ट का काम, ये सारा कुछ मैं खत्म करने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो में खत्म कर दूंगा। जस्ट हो कितना है और ये चीज़ है, स्ट्रेट इतनी है, ये इतना है स्ट्रेट में और ये इतना है, हो तो हम अब बना रहे हैं, ठीक है। हो का भी आपको मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया। और मैं सेकंड वेरिएबल हमारा क्या था, क्या था, एज थी। तो मैं किसको, एज को क्या कर देता हूँ, एज को मैं यहाँ पे इसको इज इक्वल टू कर देता हूँ इसके, ये हो जाए हमारी कोलन, और एज मैं कर देता हूँ यहाँ पे 50। चलो जी, क्या पता मेरी ये वीडियो जब मैं 50 ईयर्स का हो जाऊँ तब भी को देख रहा हो, वेरी गुड। तो ये होगी मेरी एज, कंट्रोल एस करते हैं, और उसके बाद अब इसको यूज़ भी करना है हमने, इसको यूज़ कहाँ पे करेंगे। अच्छा, अब ये बाय द वे वर्क क्या होने जा रहा है, वर्क ये होगा कि थोड़ी देर बाद ना, जस्ट 3 सेकंड्स के बाद यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। और वैल्यू वैल्यू के अंदर भी हाँ, हमें यहाँ पे पता क्या करना पड़ेगा, हमें स्टेट के आगे कोमा लगा के अपडेट करना पड़ेगा, समझ आ रही है आपको। अब हम क्या करेंगे, हम पहले स्टेट को यूज़ करेंगे, पहले हमारे सामने क्या है, स्टेट, ठीक है। फिर उसके बाद ही क्या हो जाए, अपडेट हो जाए। स्टेट के अंदर पहले क्या होगा, ये होगा सब कुछ, ठीक है। और फिर बाद में क्या हो जाएगा, फिर उसके अंदर अपडेट वाला फंक्शन चल पड़ेगा। तो मैं इसके अंदर ये काम करने जा रहा हूँ, अपडेट, और वेरी गुड, ये हो गया कंट्रोल एस। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे एक सेकंड, ये एरर यहाँ पे दे रहा है, इसको मैं यहाँ पे इसके एक और ब्रैकेट में, देखो कि ये जावास्क्रिप्ट का मॉड्यूल ऑब्जेक्ट्स हैं तो इस वजह से। और इसके बाद मुझे अब जल्दी से अबाउट में जाना पड़ेगा, और अबाउट में जाके मैं क्या करने जा रहा हूँ, कंपोनेंट यहाँ पे आया, और तो यहाँ पे मैं अब इसको यूज़ करूँगा। अच्छा खैर, एक और चीज़ ये मुझे नीचे अभी आ रहा है, नज़र पड़ गया, मैं यहाँ पे ये मुझे कह रहे हैं कि नॉट डिफाइंड, तो वो आपको भी पता क्यों करता होता है, कॉन्स्ट कर देते हैं, तो अभी ये परफेक्टली यहाँ पे काम हो जाएगा। खैर, मैं अपने अबाउट में जाता हूँ। अब अबाउट में जाने के बाद मैं पता क्या करूँगा, यहाँ पे अबाउट में जाने के बाद क्या कह रहा है, अभी से 10:27 में यूज़ स्टेट का क्या इशू दे रहा है, यहाँ पे 10:27 में, 10:27 में ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है यू स्टेट इज़ नॉट, ये कह रहा है नॉट फाइंड यू स्टेट। ओके भाई मेरे, क्यों टेंशन लेता है यार, मैं हूँ ना तेरे लिए, टेंशन लेनी, जब भी लेनी तूने बड़ी गाड़ी लेनी है, तो यू स्टेट को कहता था इंपोर्ट कर दो, मैंने कहा टेंशन आता है, कर देता हूँ, लेकिन नहीं मान रहा मेरी बात, क्या करूँ मैं, अब कर दिया इंपोर्ट, अब ये होप सो परफेक्ट रहेगा, नो इशू, यहाँ पे ये भी क्लीन हो जाएगा। खैर, अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, याद करो कंपोनेंट डिड माउंट के लिए हम क्या करते थे, अब हम माउंट करने जा रहे हैं ना, किसी चीज़ को अपडेट कर रहे हैं तो माउंट करने जा रहे हैं, तो हम क्या करते थे, कंपोनेंट डिड माउंट की जगह क्या यूज़ करते थे, यूज इफेक्ट का यूज़ करते थे। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे यूज इफेक्ट को इम्पोर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि फिर बाद में आई नो कि ये इशू देगा मुझे, तो मैं इम्पोर्ट चाहूँ तो ऊपर भी कर लूँ, लेकिन मैं जल्दी से इस वीडियो को एंड करना चाह रहा हूँ। तो यूज़ इफेक्ट यहाँ पे आया, यूज़ इफेक्ट, तो ये इंपोर्ट हो गया यहाँ से यूज़ इफेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ इफेक्ट को यूज़ करेंगे, यूज़ इफेक्ट की रिपीट किधर गई, ये आ गई, परफेक्ट। तो मैं इसे कोई टाइम वगैरह यहाँ पे नहीं देना चाहता, तो पहले तो इसे क्लीन करूँगा। सेकंड चीज़ मैं क्या करना यहाँ पे चाहूँगा, एरो फंक्शन हमारे पास सब कुछ आ जाएगा, तो इसको रिटर्न को भी क्लीन कर देते हैं। यहाँ पे हम किसको यूज़ करेंगे, जस्ट किसको यूज़ करेंगे, अपडेट को, अपडेट को यूज़ करेंगे। तो बाय द वे मैं इसके अंदर अभी जस्ट वेट अ मोमेंट, क्या इनपुट लिख लेते हैं, क्योंकि इनपुट यहाँ पे कर लेते हैं, और जस्ट वेट फॉर इट। और ऊपर मैं यहाँ पे करना चाहूँगा इसके अंदर यूज़ इफेक्ट के अंदर क्या करना चाहूँगा, हाँ हमारा ए के नेम्स वेरिएबल बड़े, हाँ ए डॉट अपडेट को लेंगे, परफेक्ट। अपडेट करना ना हमने यूज़ इफेक्ट के कंपोनेंट डिड माउंट करना कंट्रोल जी, तो अब ये ठीक रहेगा, और ए को अपडेट करवा दो इसके बाद, ठीक है। और ये एक हमारा फंक्शन बन चुका है, और यहाँ पे सब कुछ आ चुका है। अब हम क्या करना है, दिस इज़ अबाउट आमिश एंड हिज एज इज़ क्या होगी, मेरी एज क्या होगी, मैं इसको कर देता हूँ ए डॉट, यानी कि किधर गया, यस ए डॉट, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरी एज के वहाँ पे ए जी ई लिखा हुआ था, तो मैं यहाँ से मंगवा लूँगा। तो देखते हैं, रन करके कंट्रोल एस करता हूँ मैं यहाँ पे, परफेक्टली पहले तो रन हो जाएगा। क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है इनपुट इज़ नॉट डिफाइंड, यस इनपुट इज़ नॉट डिफाइंड, इनपुट यहाँ पे वाकई ही नहीं डिफाइंड, तो मैं बताता हूँ। अच्छा बाय द वे, मुझे खुद नहीं समझ आया कि मैंने यहाँ पे इनपुट क्यों लिखा, मैं पागल हूँ, मैं यहाँ पे इनपुट लिख रहा हूँ। कंट्रोल एस करके अब देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या दे रहा है वार्निंग, क्या दे रहा है ए डॉट, ओके ये कह रहा है कि भाई स्टेट यूज़ कर रहे हो तो ये यूज़ नहीं होगी, पहले से ये कर लो। और मैं कहता हूँ चलो क्या, हम स्टेट को यूज़ करते हैं जब भी, तो हम ये कर लेते हैं ताकि ये वार्निंग ना दे। कंट्रोल एस करता हूँ मैं यहाँ पे, परफेक्टली ये अब रन कर पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ अपने पेज पे, तो देखिएगा 3 सेकंड, 1, 2 एंड 3 हो जाए भाई चेंज। अच्छा वैसे क्या, आप तो चेंज हो गया, मैं इस दफ़ा रिलोड करता हूँ।
हाँ ये चेंज हुआ पड़ा था पहले, देखते हैं इंस्टार्ट ये हमें क्या शो करवाता है। इंस्टार्ट हमें ये शो करवाएगा, हमें ये शो करवाएगा, हमें करवाएगा आमिश इस 21, 22 एंड 3 चेंज हो जाए भाई, हो गया ये चीज़, ये सिखाना चाह रहा था। अब यहाँ पे चेंज हो गया, तो गाइस होप सो आपको पता लग गया होगा कि नोट स्टेट नोट कॉन्टेक्स्ट क्या, अपडेट कैसे करते हैं हम कॉन्टेक्स्ट के अंदर। यार देखो कितनी मज़े की चीज़ है, 18 कंपोनेंट समझ लो, मैं कहता हूँ ये अबाउट जेस है ही नहीं दूसरा तीसरा कंपोनेंट, ये है ही 18 वाला कंपोनेंट 20 वाला कंपोनेंट है। देखो उसके अंदर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है और डायरेक्टली चेंज हो रहा है, और ये चेंज सब में चेंज हो जाएगा, कितना मजे का काम है, परफेक्ट, कोई एरर का चांस नहीं, कोई कुछ भी नहीं। तो ओके गाइज अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। क्लोज करने जा रहा हूँ ये सब कुछ, तो हो गया क्लोज, यहाँ से इसको भी रिएक्ट ऐप को भी क्लोज कर देते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और ये मार्केट वैसे कौन कौन कर रहा है, क्या लगता है आजकल की मार्केट का क्या सीन है, जीबी भी तो नीचे जा रहा है। ओके गाइज अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।